ਇਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਲੂ ਤੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਇੰਨਾ ਕ ਸਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वाटर सप्लाई का पानी आ गया जी मैं आया जी पानी लैन मंडी चू आ गया वा तो मंडी चू कोई साग लिया कोई समान होर लिया थोड़े ना शेयर करते हैं बेगम साहबा मसरूफ सी पढ़ते सी रही है तो बिलाल का साइकिल लैके आया वा इस तरह हूँ लैके जाऊँगा पानी जी माशाल्लाह अज ना दूसरा बिलाल का पापा गया सीगा मंडी मैनू कहिंदा सीगा आ जा चलीए लेकिन मेरी ना तबीयत अज ठीक नहीं हैगी इस करके ना मैं आख्या तुसी चल जाओ मैं नहीं जाना पहले भी मैं इहदे नाल मंडी ना चल जाईदा वा ते बाजार ना ग्रेट ना काफ़ी महंगे आ ते मैं आख्या मंडी च ना लै के आयो ते इहना छप्पर भर के लै के आया वा ते इह जिहड़ी ग्रेट आ ना इह 100 रुपए दे आए आ ते इत्थे 20 रुपए दा इक ग्रेट दिंदे आ इत्थे बाजार ना 20 रुपए दा इक ग्रेट दिंदे आ ते माशाल्लाह छप्पर भरिया वा ते अजकल ग्रेट जिहड़ा वा ना ते एक मिठा जिहड़ा वा खाना चाहिदा वा ते काफ़ी सारे लैके आए वा भी ना साडी फैमिली वास्ते बहुत आ ते अज सर्दियां दा जिहड़ा तोहफा वा ना वह भी आ गया वा मंडी च वह तो लोगों ने तो हजे पट्ठे पुठे नहीं बीजे लेकिन मंडी च ना पहले आ जाता वा साग ते अज बिलाल दा पापा लैके आया वा साग अज असी ना बनावांगे दूसरा ये रेसिपी ते एदे विच पालक आ मेरे ख्याल आ ते नाल ना धनिया धनिया वा मैं इहदे कोल मंगवाया सीगा मैं आख्या ग्रेट भी लिया दी ते नाले ना धनिया ते आलू जिहड़े आ ना ओह लिया दी ते आलू भी लैके आया आलू ना मैं रख ले आ उधर टोकरी दे विच ते बाकी चीज़ां जिहड़ियां ना ओह इधर हैगियां हुण ना मैं साग साफ करांगी उपर तां ना मौसम भी खराब आ ते हवा भी बड़ी तेज चलदी आ ते मेरे साग बनाउन तिकर जे हवा रुक गई फिर उपर रखांगी जे ना रुकी फिर मजबूरी तो इत्थे चूल्हे ते रखांगी क्यों मैं जदों भी साग पकाया ना मेरे फैमिलियां नूं पता वा मेरे भैन भरावां नूं भी इह ना अग ते बनाउंदी आ दूसरा चूल्हे ते गैस ते मैं कदी साग नहीं बनाया वा मज़ेदार चूल्हे ते ही अग ते ही मज़ेदार बनता वा ते देखते हैं जो उन्हें तिकर हवा रुक गई फिर मैं उपर ही साग रखांगी ये टाइम नाल रखांगी ते फिर जाके गलना वा नहीं तो ये साग ना जल्दी नहीं गलता जी माशाल्लाह साग जिहड़ा वा ना इन्ना क साग निकलिया विचों ते बाकी ना एक गुट्टी पालक भी लैके आए सीगे बिलाल दा पापा ते ना मैं उन्हां नूं कहा मैं कहा भी एक गुट्टी ना होर लिया दे ते पालक ना होर लैके आया वा वह थोड़ी सीगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕ ਸਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਲਕ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਾਗ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਪੱਕੇਗਾ
हांडी एक बारी गर्म हो जाए ना तो फिर उबलती रहती है। जी माशाल्लाह साग ना असी कट लिया वा, मैं ते बिलाल दे पापा ने मिल के कटिया वा, ते दूसरा इन्हें भी मेरी हेल्प की आ। ते मेरी सेहत ना इन्नी हजे ठीक नहीं हैगी, लेकिन पहले इन्हें काफ़ी बेहतर हाँ, लेकिन बस साग जड़ा वा ना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता वा बंदे वास्ते, ते इस करके मैं कह चलो पालक कुछ मैं कट्टी सी कुछ बिलाल दे पापा ने कट ली, साग भी मैं ही कटिया। तेन मैं हम धोवांगी थोड़ा थोड़ा करके धोवांगी, क्यों ये हैगा वा मंडी का साग आ बाजारी, तो ताकि मिट्टी ना रवे बिच, मिट्टी ना चंगी तरह निकल जाए, इस तरह ना टोकरी के बिच ना थोड़ा थोड़ा करके धोवांगी। जी माशाल्लाह साग भी धो लिया, मिर्चा भी धो लिया, प्याज भी धो ले, लसन जड़ा वा ना वह भी धो लिया वा, तो हूँ आ गई छत ते हवा भी बड़ी चलती है। असी ना उस जगह ते किचन तैयार करन लगे हैं, तो कल नू शायद असी शुरू करिए या परसों नू, तो उत्थे असी ना किचन बनावांगे, तो ये जड़ा फालतू समान आ ना ये ना कुछ दूसरा दूसरा मेरे जवाई दियाँ मुडे पे जड़े गोश्त करते हैं, एक आ पिया मुंडा तो किधर पिया वा, तो कुछ साडा बालाना तो कुछ ना मिस्त्री भाइयों का समान पिया वा, आ बेलचे बुलचे तो आह छानना ना उन्हों का पिया वा। माशाल्लाह आग बल गई है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हांडी ना ऊपर मैं रख ली आ, ये ना गर्म होएगा ना पानी, तो उसके बाद फिर मैं साग पाऊंगी। जी माशाल्लाह पानी जड़ा ना गर्म हो गया वा, ये ना दूसरा दो छोटे छोटे प्याज कटे आ, इस तरह ना मोटे मोटे कटे आ, ये ना आपे गल जाने आ, ये बिच नमक भी मैं पा लिया वा पहले, लसन जड़ा वा ना वो भी पावांगी, ते हरियां मिर्चां जड़ियां ना ये सबूतियां पावांगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हवा जड़ी है ना बड़ी तेज आ, अल्लाह खैर करे अच साग पक जाए, क्यों अग ते साग बनाओ ना ते मजेदार बनता वा, इस करके मेरी कोशिश होंगी है भी मैं साग जड़ा वा ना वो मैं अग ते ही बनावा।
एक पासू मेरे खा मंजा खड़ा कर देने इधर पक रहा जी साग साग ऐसी 11 बजे तक रखिया हजे भी नहीं गलया ये गलना नहीं बहुत मुश्किल है जी लेट गलूगा लकड़ा अपनी खत्म हो जानी है ते इधर बना रहे हैं जी किचन ते आज शुरू किया माशाल्लाह दूसरा फिर जुमे रात नु या बुध नु शुरू होगा इंशाल्लाह फिर तुम्हारे साथ शेयर करेंगे सारा जी माशाल्लाह लसन जड़ा वा ना दूसरा कुट लिया वा पहले भी मैं लसन पाया सी प्याज पाए सी दो छोटे छोटे ते मिर्चा जड़ियां ना पहले पाईया सी हुन ना एदा मैं तुड़का लावांगी ते आज पता आज साग असी किन्ने बजे रखिया वा 11 बजे दा सी साग रखिया ते हुन ईशा होन लगी आ ते हजे तिकर साडा साग जड़ा वा ना ओ पता नहीं गल गया कि नहीं हजे मेरे साग थोड़ा सी लेकिन दूसरा चीड़ा जिया सीगा ये ना दूसरा नहरी पानी जेड़ा वा ना वो तो नहीं ना होंदा पता नहीं केड़ा पानी इन्हां नूं लगदा वा ते जेड़े पठियां जे साग बंदा तोड़ के आवे ना ते वो साग बंदा छिल के पकावे ते वो ना सोहना बनदा वा ये पता नहीं जायका किदां दा इहदा होणा वा असीं तां अज पहली दफा पकाउण लगे हां ते समझो सब्जी दा जेड़ा दुश्मन है ना वो आ गया वा सब्जी दा दुश्मन आ सियाने लोग सर्दी दा नहीं सब्जी दा दुश्मन आ एक दिन पकाओ ते 10 दिन खाओ सब्जी ता रोज पकोनी हुंदी है ना ते ए एक दिन पकाओ 10 दिन खाओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं ते कहनी हां पानी जेड़ा है कढ़ ना लगा जी माशाल्लाह साग जड़ा वा ना लैके ते मैं आई सी डोंगा मैं आखे दे च साग पावांगी लेकिन साग थोड़ा ज्यादा सी एदे विच मैं साग बाल्टी च पा लिया ते ना प्याज जड़ा वा ना छोटा जिहा एक मैं लिया वा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते एदे विच ये पावांगी घ्यो जड़ा वा ना अज मैं देसी घ्यो दा तुड़का लावांगी वैसे तो मैं साग ना घोट लिया वा लेकिन मैं आख्या थोड़ी बहुती जी कसर रही है ना वो मैं आख्या बाल्टी के घोट ली है जी माशाल्लाह प्याज जड़ा वा ना ब्राउन हो गया वा लसन भी मैं पा लिया वा बिच बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हूँ पावांगी साग जिन्हें साडे नाल साग नाल रोटी खानी आ असी तां रोटी ना मजे दे नाल खा लई आ ते जिन्हें जिन्हें साडे नाल रोटी खानी आ के साडे नाल रोटी खा सकदे आ इस वीडियो दा मैं इत्थे करांगी एंड अज तक वलो मेरे एसी अगर मेरा वलो पसंद आया होवे मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर जरूर करें इसे दे नाल अपनी भैन नूं देओ इजाजत अल्लाह हाफिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इजाजत अल्लाह हाफिज